तो दोस्तों आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हो और यहाँ पे आपको सर्च के लिए याहू सर्च इंजन मिलता है, या फिर आपको यहाँ पे सर्च के लिए बिंग सर्च इंजन मिलता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे आप सर्च इंजन को चेंज कर सकते हो, याहू हो या बिंग हो या फिर कोई भी अदर सर्च इंजन हो, उसे गूगल सर्च इंजन में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, गूगल सर्च इंजन ज़्यादा पॉपुलर है एज कम्पेयर टू याहू या फिर बिंग, और गूगल पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी है एज कम्पेयर टू याहू और बिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप अपने क्रोम ब्राउज़र में याहू या फिर बिंग सर्च इंजन को गूगल से रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टेप्स बहुत आसान होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरा याहू सर्च इंजन है सर्च याहू, तो मैं इसे चेंज करके गूगल लाना चाहता हूँ यहाँ पे। इसके लिए सिंपली आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन दिखता है, जिसे कि हम लोग मेन्यू कहते हैं, तो आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने क्रोम ब्राउज़र के सेटिंग में जाना है, तो यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। अपने क्रोम ब्राउज़र के सेटिंग में पहुँचने के बाद यहाँ पे आपको सर्च इंजन का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे आपको सर्च इंजन पे क्लिक करना है। सर्च इंजन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च इंजन यूज्ड इन द एड्रेस बार ये ऑप्शन दिखेगा, और इसके सामने यहाँ पे आप देख सकते हो याहू इंडिया लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना सारा सर्च इंजन मिल जाता है चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे आपका याहू पे या फिर बिंग पे सेलेक्टेड है या फिर किसी भी सर्च इंजन पे सेलेक्टेड है, तो आपको सिंपली यहाँ पे गूगल पे सेलेक्ट कर लेना है। गूगल पे सेलेक्ट करने के बाद अब मैं अगर आपको न्यू टैब ओपन करके दिखाऊं, तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा गूगल का लोगो आ गया। मीन्स अब मैं कुछ भी यहाँ पे सर्च करूँगा तो वो मेरा गूगल सर्च इंजन पे सर्च होगा और इन्फॉर्मेशन मेरा गूगल से आएगा, ना कि याहू इंडिया से। और तो और अगर मैं वापस सेटिंग में जाऊँ और यहाँ पे अगर मैं देख सकते हो बिंग पे क्लिक करता हूँ, और अब मैं अगर कोई नया टैब ओपन करूँ तो देख सकते हो सर्च बिंग और टाइप ए URL, मीन्स मेरा जो भी यहाँ पे सर्च होगा वो बिंग सर्च इंजन पे सर्च होगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको सिंपली सेटिंग में जा करके यहाँ पे गूगल सेट कर लेना है, उसके बाद आपका गूगल पे यहाँ पे सर्च होगा। तो देखा दोस्तों, स्टेप्स बहुत आसान है क्रोम ब्राउज़र में सर्च इंजन को चेंज करने का। तो अगर ये छोटा सा वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा और आपका काम हो गया, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और इसी टाइप के छोटे छोटे यूज़फुल वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और तो और अगर आपको क्रोम ब्राउज़र से रिलेटेड और भी कोई समस्याएं आती है तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिलहाल इस चैनल से जुड़े रहें, अभी के लिए बाय बाय।